साथियों, आज इस वीडियो में हम सितंबर 2024 में होने वाली पीटीएम अर्थात अभिभावक शिक्षक बैठक के अभिलेखीकरण के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमें मीटिंग के एक या दो दिन पूर्व एजेंडा लिखना होगा, जिसे हम इस प्रकार लिखेंगे। विद्यालय में अध्ययनरत सभी छात्र छात्राओं के सम्मानित अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 26 सितंबर 2024 दिन गुरुवार को प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में एक अभिभावक शिक्षक बैठक पीटीएम का आयोजन किया जाना है, जिसमें आप सभी अभिभावकों की उपस्थिति अनिवार्य एवं प्रार्थनीय है। बैठक में जिन बिंदुओं पर चर्चा की जानी है वे निम्नलिखित हैं। पहला बिंदु है बच्चों के नामांकन, उपस्थिति एवं ठहराव के संबंध में चर्चा। दूसरा बिंदु है डीबीटी के संबंध में चर्चा। तीसरा बिंदु होगा निपुण भारत मिशन पर चर्चा। चौथा बिंदु होगा ऑपरेशन कायाकल्प की मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं की जानकारी एवं उस पर चर्चा। पांचवा बिंदु है आउट ऑफ स्कूल बच्चों हेतु शारदा कार्यक्रम पर चर्चा। छठा एवं अंतिम बिंदु होगा विद्यालय प्रबंध समिति पर चर्चा। अब बैठक के दिन की कार्रवाई हम इस प्रकार लिखेंगे। कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी विकास खंड कुठौंद के पत्रांक संख्या 378/2024-25 दिनांक 23 सितंबर 2024 के आदेश अनुसार पूर्व निर्धारित एजेंडा के द्वारा आज दिनांक 26 सितंबर 2024 दिन गुरुवार को प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकांश अभिभावक एवं शिक्षक उपस्थित रहे। बैठक की कार्यवाही इस प्रकार रही। पहले बिंदु के अंतर्गत चर्चा की गई कि विद्यालय सेवित क्षेत्र के सभी बच्चे जिन्हें विद्यालय में नामांकित किया गया है उनकी नियमित उपस्थिति एवं ठहराव में वृद्धि पर चर्चा की गई एवं अभिभावकों को इसके लिए प्रेरित किया गया। दूसरे बिंदु के अंतर्गत डीबीटी के माध्यम से अभिभावकों के खाते में प्राप्त हुई धनराशि से बच्चों के लिए 2 जोड़ी यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता, मोजा, स्कूल बैग आदि सामग्री क्रय की जानी थी, लेकिन कुछ सामग्री अभी तक क्रय नहीं की गई है। इसके लिए अभिभावकों को प्रेरित किया गया कि वे अपने बच्चों को उक्त सामग्री दिलवाने की कृपा करें। तीसरे बिंदु के अंतर्गत चर्चा की गई कि निपुण लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अभिभावकों को प्रेरित किया गया कि वे बच्चों के साथ समय बिताएं, उनके होमवर्क को पूरा करवाएं एवं बच्चों को यथासंभव सहयोग प्रदान करें। चौथे बिंदु के अंतर्गत बताया गया कि विद्यालय में 19 मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं का निर्माण ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत कराया जा रहा है, जिससे छात्र छात्राओं में विद्यालय के प्रति रुचि विकसित हो सके। विद्यालय की साफ सफाई एवं स्वच्छता सामग्री पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। पांचवें बिंदु के अंतर्गत शारदा कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय के सेवित क्षेत्र में समस्त 6 से 14 आयु वर्ग के आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हांकन, नामांकन, उपस्थिति एवं ठहराव पर एवं इस कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। छठे एवं अंतिम बिंदु के अंतर्गत चर्चा की गई कि प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार को होने वाली विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक की जानकारी एवं इसके स्वरूप, कर्तव्य एवं दायित्वों पर चर्चा की गई। शैक्षिक सत्र 2024-25 में नवीन एसएमसी के गठन की प्रक्रिया में प्रतिभाग करने हेतु अभिभावकों को जागरूक किया गया एवं उन्हें प्रेरित किया गया। अंत में उपरोक्त बिंदुओं पर विचार विमर्श करने के पश्चात उपस्थित अभिभावकों को नाश्ता करवाया गया एवं सभी का धन्यवाद व्यक्त कर बैठक का समापन किया गया। धन्यवाद।